आज का सत्संग सतगुरु पर, सतगुरु की भक्ति पर है कि भक्ति योग क्या है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग क्या है। मोस्टली लोग कर्म योग और ज्ञान योग ले लेते हैं क्योंकि भक्ति का मुश्किल पड़ता है, जबकि भक्ति योग आसान है, ज्ञान योग कठिन है, साधना कठिन है। तो सतगुरु क्या होता है? सतगुरु हर विद्या और हर कला के सीखने की जो इच्छा है वो गुरु की आवश्यकता होती है। हर विद्या को, हर चीज़ के लिए गुरु चाहिए होता है। जो सत्य की शिक्षा है और सत्य में स्थिर बना कर खड़ा रहता है वही सतगुरु है। सीक द ट्रूथ, सच को जानना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या गुरु कराता है। अभी उस गुरु की भक्ति योग से क्या है, कनेक्शन क्या है? जो दिल के बुझे हुए दीपक को जलाकर भीतर बाहर का अंधकार नष्ट करता है, उसका एहसान हम उम्र भर गाया भी तो भी कम है, खाली गाएं करना तो दूर रहा। जो बोलते हैं सात समुंदर जैसी स्याही हो, आकाश जैसी कलम हो, राम का लिख लो, कृष्ण का लिख लो, दुर्गा का लिख लो, जितने भी पांचों देवता हैं उनका लिख लो, लिख सकते हो, लेकिन गुरु की महिमा कोई ना जाने, वो भक्ति योग में आता है। हर चीज़ की खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो चीज़ सद्गुरुओं से मिलती है उसके लिए केवल श्रद्धा रूपी धन की आवश्यकता है। सोचो कौन सा धन है? श्रद्धा रूपी पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। इसमें कोई पैसा नहीं लगना। ज्योति की लो को 100 बार तलवार चलाने से कुछ भी पीड़ा पहुंचाई नहीं जा सकती, तब ज्ञान के प्रकाश को कौन नष्ट कर सकता है? वह अमर ज्योति हमारे हृदय में जल रही है। सतगुरु का संग करके दर्शन करो तो हम अमर हो जाएं, अमर हो जाएं। ये कौन होगा जो ट्रू भगत होगा? सत्संग में तो करोड़ों दुनिया आती है हे अर्जुन, हजारों आते हैं, कोई एक निकलता है। तो भी जो बेचारे आ जाते हैं, कोई वो थोड़ी है ऐसे अभाग्य है, वो भाग्यशाली है। लेकिन आगे पुरुषार्थ की कमी, धन की कमी होती है, पॉकेट में सत वाला धन कम होता है, उसको बनाते जाएं तो सतगुरु की कृपा अपने आप बरस जाती है। मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जीव मिट्टी में मिलता है फिर पौधा बड़ा होता है, कोई गुरु चाहिए। ये है विवेकानंद का जो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। मैं तो भक्ति योग को अपने अनुभव से आप लोगों को बोलती हूँ, भक्ति योग। अरे निराकार को किसने देखा? पत्थरों की मूर्तियां हैं, मूर्तियां सामने नहीं, पत्थर है। वो उन लोगों के लिए जिनके हृदय अभी भी पत्थर हैं, कोई सतपुरुष, कोई गुरु नहीं मिला जिसकी भक्ति में वो विलीन हो जाएं। ये कौन कर सकता है? एक जन्म की तो बात है ही नहीं। जो मैंने अनुभव करा वो एक जन्म की बात नहीं है। कितनी वो जात पात में जाओ तो कितनी जातें ऐसी हैं, कास्ट ऐसी हैं जो बिलीव नहीं करते हैं कि री इनकॉर्नेशन होता है। री इनकॉर्नेशन माना दोबारा जन्म होता है। अगर ये नहीं है तो फिर कैसे है? एक राम बनता है, एक रावण बनता है, इसका मतलब जन्म है। छोटा मोटा गुरु भी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु। क्या देखना है संसार में? मैं बोलती हूँ देखना है तो गुरु शिष्य का रिश्ता देखो। कभी अकेले एक बार सत्संग में सुना था, भगवान जी की फोटो रख के त्राटक करो, देखो क्या हो मिलता है तुम्हें, पता चलेगा ये कौन है। शहनशाह दुनिया का, शहनशाह पैसे लेके नहीं, वो अमीर वाला नहीं, मैन विदाउट शर्ट इज ए किंग ऑफ यूनिवर्स। भगवान उसकी एग्जाम्पल देते थे, मैन विदाउट शर्ट इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो गुरु शहनशाह होता है, इसकी चाल, इसकी डाल, कभी फोटो खाली लगाई है, उसको निहारो, देखो मैं कैसे पहुंचाई गई इसके पास।